नमस्कार ग्रुप के सभी मेंबर्स और डॉक्टर्स और प्रोफेसर को मेरा आशीर्वाद। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि कल मेरा 4 क्लासेस सक्सेसफुल रहा। इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे आए जो मेरे 15 साल या 14 साल पुराने स्टूडेंट थे, तो उनको देख के जो है मुझको इतनी खुशी हुई कि शायद ही मैं कभी इतना खुश हुआ होऊंगा कि जो 15 साल पहले मुझसे मिले थे कल वो मेरे क्लासेस में आए मेरा नाम सुन के। और उनकी ये डिमांड है कि सर हमको आपका बिजनेस वास्तु करना है, क्योंकि जो ट्रिक आपकी बिजनेस वास्तु की है वो हमको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो मैंने तो सोचा था कि अब एक साल शांति से बैठूंगा, लेकिन ये स्टूडेंट हमारे जो हैं शांति से नहीं बैठने दे रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है अप्रैल में जो है एकर्स क्लब चेंबूर बिजनेस वास्तु 3 दिन का लेंगे, जिसकी फीस 20,000 होगी। उसके अंदर जो भी 350 या 300 पेजेस के मेरे नोट्स रहेंगे वो सब कलर्सफुल रहेंगे, यानी एक तरफ ड्राइंग रहेगी जो मैंने दुबई या मलेशिया में किया हुआ है, और एक पेज पे उसके दोस्त लिखे रहेंगे, और फिर उसके बाद तीसरे पेज पे उसकी रेमेडीज रहेगी कि मैंने क्या क्या रेमेडीज किया। तो इस बार मैं आपको ऐसे नोट्स देने वाला हूं, मेहरबानी करके आप लोग उस नोट्स की कभी कॉपी मत करवाइएगा। टोटल जो इस बार आपको मैं 300 साढ़े 300 पेजेस का नोट्स दूंगा वो टोटल कलरफुल रहेगा। वो आपके भविष्य में जब भी आप बिजनेस वास्तु, होटल्स, फैक्ट्री, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, बियर बार या ब्यूटी पार्लर्स इत्यादि जो भी मैंने मलेशिया, कोलालंपुर, लंकावी, दुबई, जबल अली, श्रीलंका जो भी मैंने वास्तु किया है वो विद फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री की ड्राइंग और उसमें क्या क्या दोस्त थे वो लिखा रहेगा एक पेज के ऊपर, और तीसरे पेज पे उसकी रेमेडीज रहेगी कि मैंने क्या क्या डाला। तो ये नोट्स की तैयारी कल से मैं शुरू कर रहा हूं। अप्रैल याद रखिएगा, अप्रैल में मेरे क्लासेस रहेंगे। टोटल बिजनेस वास्तु की बातें होंगी, उसमें ना कोई फ्लैट की बातें होंगी ना कोई घर की बातें होंगी। मंदिर कैसे बनाना है, हॉस्पिटल कैसे बनाना है, बैंक का कैसे वास्तु करना है या बैंक की रेमेडीज क्या होगी, ये सब आपको बताया जाएगा। सैलून का वास्तु कैसे करना है, ज्वेलर्स का वास्तु कैसे करना है, अगर ज्वेलर्स की दुकान है उसका वास्तु कैसे करना है, ज्वेलर्स की फैक्ट्री का भी वास्तु मैंने किया है, ज्वेलरी जो बनाते हैं उसका वास्तु कैसे करना है, ये सब टोटल आपको उसमें बताया जाएगा। मॉल का फाउंडेशन कैसे रखना है, फैक्ट्री कैसे बनानी है, फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना है, अगर फैक्ट्री में कोई निगेटिव एनर्जी या कोई मजार या कोई शमशान या कभी किसी जगह पे वो शमशान रही होगी फैक्ट्री, उसका वास्तु कैसे करना है, वो सब डिटेल से आपको विद रेमेडीज बताएंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए, अप्रैल का महीना रहेगा, डेट अभी मैंने फिक्स नहीं की है, जो भी अगर आना चाहे वो आ सकता है। और इस बार मैंने पूरा जो है जितना भी हमारा कोर्स का जो भी रॉयल्टी है या जो भी बुकिंग है वो मैंने अपनी बेटी के हवाले किया है। अभी मून स्टार फाउंडेशन में जो भी मेरे क्लासेस होंगे उसकी ऑर्गेनाइजर मेरी बेटी होगी। तो जिसको भी इंटरेस्ट है मेरा क्लास करने का, 20,000 रुपया फीस रहेगी, एकर्स क्लब चेंबूर रहेगा, लेकिन पहले वो फोटो और कुछ एडवांस जब तक वो भेजेगा नहीं, जब तक हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, और क्लास शुरू होने में अगर 1 हफ्ता बाकी रहेगा उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड है तो ऐसे लोगों को हम एंट्री नहीं देंगे। धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अभी से तैयारी कर लो अप्रैल की, अभी से सभी लोग टिकट निकाल लो अप्रैल का, डेट 2-4 दिन में मैं फिक्स करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा।
मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऑल द बेस्ट।